नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। जनसंख्या विस्फोट से पूरा भारत चिंतित है और इस धमाके को रोकने के लिए जनसंख्यिकी नियंत्रण कानून लाने की बात भी चल रही है। कोई हम दो हमारे दो की पॉलिसी अपनाने की बात कर रहा है तो कोई और कड़ा होकर हम दो हमारा एक की पॉलिसी। इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि बच्चे तो ऊपर वाले की देन है। अब ऐसे दकियानूसी सोच वाले लोग अपनी अलग ही खिचड़ी पकाने में लगे हैं, पर इनकी हांडी उतारने के लिए अब सरकार भी सख्त हो रही है। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री को अभी सत्ता में आए मुश्किल से 2 महीने ही नहीं हुए हैं और वो फुल एक्शन मोड में है। जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए उन्होंने सेना का इस्तेमाल करने की ठान ली है। बता दें कि असम सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंख्या सेना बनाने की योजना तैयार की है। सरकार इन इलाकों में गर्भ निरोधक वितरित कराएगी। वहीं जागरूकता फैलाने के लिए 1000 युवाओं वाली जनसंख्या टीम को इस अभियान पर लगाएगी। सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार कोशिशों में जुटी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि सरकार जागरूकता पैदा करने के लिए और लोगों के बीच गर्भ निरोधक वितरित करने के लिए 4 चपोरी क्षेत्रों के लगभग 1000 युवाओं को शामिल करना चाहती है। दरअसल सोमवार को असम विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा गूंजा, जिस पर सरकार ने जवाब दिया है। जहां राज्य सरकार जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए तमाम कोशिशों में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस विधायक शर्मन अली अहमद ने एक सवाल किया, जिसके जवाब में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने सोमवार को जनसंख्या सेना बनाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक जनसंख्या सेना तैयार करेगी, जिसे विशेष रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, यानी वो इलाका जहाँ सबसे ज्यादा आबादी है, जहाँ सबसे ज्यादा जन्म दर है, वहाँ जनसंख्या सेना जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी। जाहिर है कि कई जगह पर यह स्लोगन देखने को मिलते थे कि हम दो हमारे दो या फिर बच्चे दो ही अच्छे, पर यह स्लोगन लोगों की जुबान पर तो चढ़े, जहन में नहीं उतरे, और इसी को जहन में उतारने के लिए जनसंख्या सेना अपना काम करेगी। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आशा कार्यकर्ताओं का एक अलग फोर्स तैयार करेगी, जिसकी संख्या तकरीबन 10,000 होगी। आशा कार्यकर्ताओं को अलग अलग हिस्सों में नियुक्त किया जाएगा, जहां वे घर घर जाकर बर्थ कंट्रोल को लेकर लोगों को जागरूक करेंगी। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि लड़कियों के लिए शादी की उम्र को बढ़ाया जाए। जाहिर है कि सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बढ़ती जनसंख्या को लेकर बेहद ही चिंतित है। हाल ही में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने राज्य में रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम नेताओं से परिवार नियोजन नीति अपनाने की भी अपील की थी। सरकार धीरे धीरे 2 child पॉलिसी वाली योजना पर भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इस पॉलिसी को और भी राज्य अपनाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।